त्रिदल का बहुत महत्व है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। कमल पुष्प की माला प्रभु को अर्पित की जा रही है और कहा जाता है कि कमल पुष्प जीवन में शुभता और दिव्यता लाता है। जी, और निश्चित तौर से इस समय प्रधानमंत्री कमल पुष्प से पूजन अर्चन कर रहे हैं और ये दिव्यता लाने का प्रमाण है। और साथ ही साथ जो पूजन की विधियां हैं उनमें शंकर जी का, जब शिव जी का पूजन किया जाता है और श्वेत कमल से अगर इनका पूजन किया जाता है तो सर्व कल्याण की कामना से किया जाता है। और सर्व कल्याण के साथ ही साथ ये ऐसा जो बिल्व पत्र होते हैं, जो अन्य चीज़ें होती हैं, उनके साथ ही साथ अगर कमल का से पूजा की जाती है तो ये बेहद विलक्षण माना जाता है और ये सुख शांति और समृद्धि के लिए माना जाता है और ये कल्याण के लिए माना जाता है। अश्विनी जी, श्वेत कमल से यदि ईश्वर का पूजन किया जाता है तो माना जाता है कि नवग्रह जो होते हैं वो भी अनुकूल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और उनकी कृपा सारे लोगों को प्राप्त होती है। तो आज 501 कमल पुष्पों की बड़ी भव्य माला से भगवान काशी विश्वनाथ का यहाँ पूजन किया गया है। 111 बिल्वपत्र उन्हें अर्पित किए गए हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग है, सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतु बंधे तो रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तो विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तो केदारं कृष्णेशं तो शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः। कहा गया है कि भगवान काशी विश्वनाथ जो आद्य हैं ज्योतिर्लिंगों में, उनका नाम स्मरण करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और निश्चित तौर से ये मोक्ष की धरती मानी जाती है, ये मुक्ति की धरती मानी जाती है, अवमुक्त क्षेत्र माना जाता है और ये ज्ञानवापी क्षेत्र है काशी का, विशिष्ट क्षेत्र जहाँ पर भक्ति मुक्ति और मोक्ष की जो तीन धाराएं थी उनमें ये ज्ञान की धारा का यहाँ पर उद्गम हुआ था। और यहाँ पर एक कुआं भी है जो कि माना जाता है कि आदिकाल से विद्यमान है और वो ज्ञान का एक ज्ञान के स्रोत के रूप में माना जाता है। ज्ञानवापी कूप उसे कहा जाता है। जी, ज्ञानवापी कूप उसे कहा जाता है और ये ज्ञानवापी पूरा का पूरा क्षेत्र जो है एक त्रिशूल के रूप में माना जाता है। स्वयं काशी शिव के त्रिशूल पर अवस्थित है और मैदागिन गुदौलिया और ये ज्ञानवापी एक त्रिशूल की अवसंरचना बनाते हैं। भगवान इस समय भोग अर्पित किया जा रहा है, आम्रफल है, मिष्ठान्न है और नैवेद्य अर्पित करते समय ये कामना की जाती है कि भगवान भोग ग्रहण करें और उनका प्रसाद सारे भक्तों तक पहुँचे। प्रसाद के माध्यम से जो उनका जीवन है वो सफल हो, सारे कष्ट दूर हों। सत्यंत वर्ते न प्रशिंचामी धेन मुद्रां प्रदर्शो प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि। इस प्रकार भगवान से ये कामना की जा रही है कि आप हम सब का कल्याण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ये ज़रूर प्रार्थना कर रहे होंगे कि जो जिम्मेदारी इस बार हमें मिली है उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी वो बहुत अच्छे से कर सकें। और वो संकल्प बढ़ता है और संकल्प से सिद्धि के प्रमाण है। प्रधानमंत्री इस समय आरती कर रहे हैं, पूजन अर्चन के बाद आरती की हमारी परंपरा है और विशिष्ट रूप से अनेक षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन इस समय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और इस मंदिर की विशिष्टता जो है वो ये है कि ये मंदिर